हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग मौर्य आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि आखिर मौर्य काल और वास्तुकला जो है किस प्रकार से जो है आपके खूबसूरत होने के साथ अपने आप ही आप में आपके नायाब है। आर्ट और कल्चर अगर बात किया जाए तो किसी भी समाज का आपके आईना होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं आपके मिरर होती है ये आपके। मौर्य कला जो कि कहा जाए आपके महान मौर्य शासक आपके अशोका द्वारा आपके अपने आप में ही आपके नायाब दिखाया गया है। मौर्य आर्ट को दो वर्गों में आपके विभाजित किया गया है, उनमें से कहा जाए आपकी तो पहला आपका कोट आर्ट और दूसरा आपके फोक आर्ट। अब अगर कहा जाए कोट आर्ट में क्या क्या हम लोग देखेंगे तो आपके पैलेस, पिलर, स्तूपा, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। फोक आर्ट की बात करें तो केव, पॉटरी, स्कल्पचर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके मौर्य आर्ट का। तो आखिर ये मौर्य आर्ट जो है, कोट आर्ट और फोक आर्ट जो है आपके, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके मौर्य आर्ट के, जो मौर्य आर्ट जो है अपने आप में ही कैसे आपके नायाब है। तो आप देख सकते हो इसका एविडेंस, मतलब अगर कहा जाए तो साक्षर तौर पे भी आज भी जो है आपकी जो ये आपकी शाही कला है ये आज भी आपकी उपलब्ध है, जो कि आपके देखे जा सकते हैं विभिन्न विभिन्न जगहों पे। तो दरबारी शाही कला जो है आपके मौर्य शासक द्वारा राजनीतिक और धार्मिक कारण के लिए आपके कार्यों से है, चाहे वो महल हो, खंबे हो या फिर आपके स्तूपा है। इनमें से सबसे पहले अगर बात किया जाए आपकी तो आपकी बहुत सारे जगहें आती हैं जिनमें अगर कहा जाए आपकी तो आपने देखा होगा आपके अशोका की जो है आपके स्तूपा, ठीक है, आपके कहा सकते हैं हम लोग। और भी ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ अशोका के ही स्तूपा, आपके सारनाथ का पिलर देख सकते हो आपके जो कि वाराणसी में है, आपके वैशाली पिलर देख सकते हो। आपको ये सब आपके क्या है तो अपने आप में ही नायाब तोहफा आपके दरबारी शाही कला है। आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया है ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आए। जिनको जिनको नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी आपके। अब आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चंस को, आपके और भी चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन तो तभी मन में आएगा ना कि आपने, क्योंकि मैंने अभी आप लोग बोलो कि मैम अभी आपने क्वेश्चन क्यों बोला, तो मैंने क्वेश्चन इसलिए बोला क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा अच्छा और मैम आज क्या बताने वाली है, क्वेश्चन तो आ रहा होगा मन में। तो और देखते हैं आपकी इन्हीं सब चीजों के बारे में। तो अगर कहा जाए आपके तो ये आप देख सकते हो इनमें आपको क्या क्या दिख रहा है। ये आपके मौर्य का जो कहा जाए तो आपके काफी ज्यादा प्रमुख आर्ट में से एक आता है, जिसमें अगर कहा जाए आपकी तो ये आपके जो है आप देख सकते हो कि ये जो होते हैं आपके किस मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये आपके ब्रिक्स से बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए हैं। आपके हिंदी में कहा जाए तो आपके ये जो होते हैं तो इनमें कहा जाए तो आपके इंक्लोजर वॉल होते हैं। क्या होते हैं इसमें तो हर्मिका होते हैं आपके, चैत स्पायर होते हैं, अंडा होते हैं, अंडा इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आप लोग बोलोगे कि अंडा किसे बोलते हैं, तरोना होता है, तरोना हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है, मेहंदी जिसे हम लोग ये बोलते हैं आपके, ठीक है। तो अलग अलग चीजों को हम लोग अलग अलग चीजों से आपके बोलते हैं, जो अपने आप में आपके जो है एक नायाब है आपके, ठीक है। काफी ज्यादा ये जो है बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे, ये अगर कहा जाए तो अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपने नागार्जुना केव की बात सुनी होगी। आपने नागार्जुना केव है आपके बिहार में है ये गुफा आपकी, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपके और भी चीजों को। तो आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हो आपके। अब आप बोलोगे कि मैम ये फोटो किस चीज की है, तो सब्र कीजिए, सब कुछ आज ही क्लास में आपको पता चलेगा। तो अगर बात की जाए तो आप जो है मॉड अगर कहा जाए तो पॉपुलर आर्ट है आपको, जैसे कि मैंने थोड़ी देर बाद बताया, जैसे
जिसमें आमतौर पे कहा जाए तो आपकी क्या की जाती थी, ये आपकी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आज। खासकर अगर कहा जाए तो देखिए, बुद्धिस्ट मॉन्क आपके पहले भी पहले हुआ करते थे। आपको बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में मैंने हिस्ट्री में भी आप लोगों को पढ़ाया था आपके। तो बुद्धिस्ट मॉन्क आपकी बारिश के टाइम में क्या करते थे, तो रुका करते थे आप। मुख्तर अगर कहा जाए आपके, तो गौतम बुद्धा, जिनका नाम तो सभी ने, आई थिंक सभी ने आपके सुना होगा, ये जो है आपके, जो है आपके इनसे रिलेटेड। अब बोलोगे आप कि मैम आपने अभी बोला कि आपके गौतम बुद्धा बारिश के टाइम में रुकते थे आपके गुफा में आपके, तो ये जो आपके विहीरा है, विहार नाम से आपके जानते थे ऐसा, तो ये जो है आपकी क्या एक नायाब है अपने आप में? हाँ बिल्कुल भी नायाब है आपके, क्यों नहीं नायाब होगा आपके। अब हम लोग बात करते हैं आपकी, ये सब आपके एग्जाम्पल है, आपकी बहुत जगह एग्जाम्पल देखा जा सकता है, वो चाहे बिहार हो या फिर कोई भी जगह हो। आप देख सकते हो यहाँ पे यक्षिणी का जो है आपका फिगर है। अब आप बोलोगे कि किस चीज का है, इस चीज का थोड़ा सा सब्र कीजिए, सभी कुछ आपको पता चलेगा। तो ये जो आपकी मूर्ति है, ये आपकी यक्षिणी मूर्ति है। अब ये यक्षिणी मूर्ति मूर्ति जो है आपकी पटना से खुदाई में आपकी निकाली गई है, और आज भी अगर आप पटना म्यूजियम जाते हो, पटना आपके बिहार में है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो यक्षिणी का आज भी मूर्ति जो है उपलब्ध है। बस इतने तक ही कहा नहीं जाए, इसके अलावा भी कहा जाए आपकी, तो NPPW, ठीक है, NPPW मैं लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि क्या ही मैम बोल रही है। एन, थोड़ा मैं माउस यूज कर रही हूँ तो ये मत समझिएगा कि मैम क्यों इस तरीके से लिख रही है आपके। NPPW, ठीक, तो आपके NPPW जिसका अगर कहा जाए तो क्या होता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये सब भी जो है अपने आप में ही कहा जाए तो काफी ज्यादा नायाब है आपकी, और साथ ही साथ खूबसूरत हम लोग कह सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम लोग क्या देखते हैं आपकी, क्या देखते हैं, और हम लोग इन सब चीजों से क्या चीज समझते हैं कि हमारा जो मौर्य आर्किटेक्चर जो है, ये अपने आप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ इसके जो है आपके, ये अपने आप में ही जो है आपके अलग अलग जगहों पे आपके मिलते हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा आज भी आपका जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये जो है पसंद आया होगा। जिनको जिनको नहीं, जिनको जिनको आपके और जानना है, वो आपके पूछ सकते हैं अगली क्लास में। ठीक